खो दिया गया है, तब दोबारा क्या हुआ कि अब हेमंत सोरेन प्रधान सीएम के रूप में चुनाव करने के लिए आ गए हैं कि सीएम वही बनेंगे, तो इसीलिए हम लोग उनसे मिलने आए थे पर उनसे नहीं मिल पाए, तो हम लोग हेमंत सोरेन से अब मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग दोबारा भी पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि 2000 कर चुके हैं और इससे पहले हेमंत सोरेन खुद इसके विभाग के मंत्री थे। हाँ, इससे पहले भी थे, क्योंकि हम लोग का ये जो आंदोलन है वो तीसरा आंदोलन है, 2020 में हम लोग ये फर्स्ट आंदोलन, उस समय में हम लोग को क्या किया गया कि आश्वासन देके उसके बाद भेज दिया गया, उसके बाद दूसरा जो आंदोलन हुआ 2021 में हुआ, 2021 में स्ट्राइक होने के बाद उसमें क्या हुआ कि हम लोग को आश्वासन के साथ साथ उसके बाद लिखित हो गया, प्रमाणित करके उसके बाद भेज दिया गया, लेकिन हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ। प्रॉपरली रूप से जो हम लोग को चला आ रहा था वही था, जो बदलाव था, जो हम लोग मांग कर रहे हैं, तो उससे मांग कुछ भी पूरा नहीं हुआ। क्या उम्मीद है अभी इस आंदोलन का असर नजर आएगा, मांगे पूरी होंगी? जी जी जी, सरकार को तो करना ही पड़ेगा इस आंदोलन का मानदेय, जो हम लोग का मांग है वो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिना मांग को पूरा करके हम लोग जाने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग का स्ट्राइक शुरू हुआ है, अभी से हो सकता है कि पूरा विधानसभा, मान के चलिए आज विधानसभा का गठन है, विधानसभा विस्तार किया जाएगा, विस्तार हो जाने के बाद जो मंत्री पद है वो बांट दिया जाएगा, अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है तो हम लोग प्रॉपरली अभी से लेकर विधानसभा चुनाव होते तक रुकेंगे, और जब तक विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, विधानसभा खत्म हो जाएगा उसके बाद भी रुकेंगे, हो सकता है कि सरकार दूसरा है उसके बाद भी रुकेंगे, क्योंकि हम लोग जाने वाले नहीं है, आंदोलन लंबा चलेंगे। हम लोग और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सभी दूर दराज से पहुंची हुई हैं। मैम आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? लातेहार जिला से। क्या लग रहा है इस आंदोलन का असर नजर आएगा, मांगे पूरी होंगी? ये तो अब सरकार ही बता सकती है ना। कितने दिनों से आंदोलन कर रही हैं आप लोग? हम लोग 8 दिन से। 8 दिन से आंदोलन कर रही है। मैम आपका नाम क्या है? लालमुनी कुमार। कितने दिनों से कर रही है? 8 दिन हो गए। आज आप लोग विधानसभा घेराव करने के मकसद से आई हुई थी, पुलिस ने आप लोगों को यही रोक दिया है। हाँ। तो अभी क्या उम्मीद है, कोई प्रतिनिधि आके मुलाकात करेंगे आप लोगों से? अभी तक तो नहीं आए। अभी तक तो नहीं आए तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, इस एरिया जो एरिया है पूरा भरा हुआ है। कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की और जानने की कि इस आंदोलन को आगे वो किस तरीके से विस्तार देने की कोशिश करेंगे, चूंकि यहाँ पर तमाम पुलिस वालों की ओर से इन सहायक पुलिसकर्मियों को रोक दिया गया है। हमने इससे पहले भी खबर जो है वो प्रमुखता से दिखाई थी, राजभवन के सामने इनका आंदोलन जो है वो चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकती हैं महिला सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रही हैं। लगातार इनकी ओर से मांगे भी उठाई जा रही थी लेकिन अब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। मैम कहाँ से आई हैं? लोहरदगा जिला से। क्या आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग की मांग है हम लोग को जिला पुलिस में समायोजित किया जाए। तो आप लोगों को आश्वासन मिला था कि ऐसा आप लोगों के साथ होगा? हाँ मिला था। मिला था, किसने दिया था? हम लोग बंधु तिर्की ने दिया। हाँ, तो की बोला था कि हम 60 साल के थे, 60 दिन का दिन दीजिए, हम लोग अस्थाई आपका पूरा सारा मांग को पूरा कर देंगे, लेकिन आज तक झूठा आश्वासन देते कि हम लोग बलगला के रखा गया है यहाँ पे। कितने दिनों से आप? 7 साल से, यहाँ 8वां आंदोलन में है। 8 दिन हो गया है आंदोलन में, कोई देखने भी नहीं गया। कल भूख हड़ताल में थे हम लोग, वहाँ भी कोई नहीं पहुँचने गया, तो हम लोग कितना अन्याय चाहिए। या तो हम लोग मुआ दीजिए या तो हम लोग छोड़ेंगे, यही अब बताती होगा ना, या तो इस्तीफा दे देंगे हम लोग, यही वर्दी पहना के वर्दी उतारना ही है ना चाहते हैं सरकार हम लोग से। यहाँ पे एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि झारखंड की यही विडंबना है, सरकारें कई बनी, आश्वासन कई तरह के मिले लेकिन उन आश्वासन को पूरा कोई नहीं कर पाया। लगातार जो है वो सरकारें बदलती रह रही है, चेहरे बदलते जा रहे हैं, कभी ये मंत्री तो कभी वो मंत्री, इसकी वजह से भी समस्या आ रही है क्या? चूंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उस वक्त गृह विभाग उनके अंडर में था, फिर चंपाई सोरेन बने उनके अंडर में आया, अब फिर हेमंत सोरेन आ गए, और अब आप लोग कहाँ मांग लेके जाए, इसकी विडंबना बनी। हाँ, इसलिए हम लोग अस्थाई, हम लोग कुछ नहीं मांग करे, बस हम लोग का सहायक पुलिस का अस्थाई कर दीजिए, हम लोग का और कुछ मांग नहीं है। सरकार प्रॉपर तरीके से स्थायी नहीं है तो आप लोगों को कैसे स्थायी ये सरकार करेगी जो खुद ही महीनों बाद बदलती जा रही है? सरकार समझेगा, हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग खुद अपना अपना तो जिंदगी देखने का हम लोग का ठिकाना नहीं है, घर परिवार का तो हम लोग अति है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग का क्या जिंदगी है इसे? तो अभी तक सरकार इनकी आंसुओं पर ध्यान नहीं दे रही है। बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया था, क्या बंधु तिर्की एक बार मिलने आए? लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, अभी जो हम लोग आए हैं अभी तो कोई जो पक्ष का विधायक मंत्री जो भी है कोई हमको मिले हम लोग से नहीं आया। 10 दिन से हम मोराबादी ग्राउंड में बैठे हुए, 10 दिन से कोई मंत्री विधायक नहीं आया पक्ष का, विपक्ष का कोई ऐसी मिले जुले आए कि आप लोग का मांग पूरा होगा, इसे विधानसभा मांग उठाएंगे। विपक्ष से उम्मीद है कि वो लोग आपकी मांगों को उठाएंगे? चूंकि विपक्ष जब आश्वासन दे रहे हैं कि हम मांग उठाएंगे, लेकिन पक्ष वाला 10 दिन से हम लोग कैसे जी, कल हम लोग का बापू अटका मोराबादी में, और तो ऐसी था
भूख हड़ताल था, कोई मिल नहीं है। हम लोग के चार जवान भूख एकदम, जिससे भूख से नहीं होता है, पूरा एकदम बेहोश हो गया उसको। सब हम लोग प्राथमिक उपचार अपना पानी छिड़काव करके किस तरह अपना उसको किए। तो भी बहुत ज्यादा धूप है, क्या उम्मीद है कोई मिलेगा? अब देखिए, अब हम लोग बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, हमारी अगर वार्ता होने गई है, अगर मेरा अगर वार्ता का सही पूरा हुआ कि नहीं, कि हम लोग का मांग पूर्ण होगा, तो हम लोग के लिए कौन से प्रतिनिधि किसके पास? तो ये की क्लियर नहीं है। हम लोग साहब लोग बोले कि चलिए आप लोग, हम ये कि हम प्रतिनिधि को हम मिलाते हैं, किसे मिला रहे हैं क्या है, अब उन लोग आ गए थे, हम लोग देख नहीं रहे हैं। तो अभी आप लोग दिन भर यहाँ बैठे? हाँ हाँ, जब तक मेरा प्रतिनिधि वापस नहीं आएगा कि क्या, अगर उन लोग का जो वार्ता होगा संतुष्टि हम लोग होगा तो ठीक है, अगर संतुष्टि नहीं मिलेगा तो हम लोग बैठे रहेंगे। और आप लोगों का खाना पीना? खाना पीना का हम लोग कैसे ये जी रहे हैं, हम ही जा रहे हैं, खाना पीना कौन दे रहा है? आज 10 दिन से खाए पीना मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? खरे हम लोग कोई भी तक कुछ पूछने आया कि तुम कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है? आप लोग कौन से जिले से हैं? हम गढ़वा जिला से। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी जो है वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर किसी का भी ध्यान नहीं है, सरकार हो या फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। एक बार ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि ये विडंबना है हमारे झारखंड राज्य की, कि राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य के साथ हुआ था वो उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। सरकारें लगातार बदलती हैं, चेहरे बदलते जाते हैं, और इन सब की का दंश जो है ये सहायक पुलिसकर्मी जो है वो झेल रहे हैं। बड़ी संख्या में सहायक पुलिसकर्मी झारखंड के अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोग जो है वो आक्रोशित हैं, और ऐसे में अब उम्मीद है कि आने वाली जो सरकार है, यानी कि हेमंत सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो इनकी मांगे पूरी होंगी, और अगर तभी भी नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका उग्र आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।